के लिए एंटाइटल हो जाएंगे। अब आप और आपकी टीम पांच राइट किसी भी महीने करती है तो आपको 4000 रुपए महीना आएगा, 1.35 पर वीक के अलावा। और ऐसी टीम आपकी बढ़ती है, 55 लोगों की टीम अगर हो जाती है 12 से बढ़ के 10-10 होते हैं तो 10,000, ऐसे करते करते दीपक जी 2,00,000 रुपए महीने तक बोनस अलग है। एक इनकम आपकी 1,35,000 रुपए पर वीक, 5-40 महीना, एक इनकम आपकी 2,00,000 रुपए पर मंथ, मीन 60,40,000 रुपए का आदमी आप बन सकते हो। यस के नो? फिर एक बार मन कर रहा है कि कुछ सुस्ती सी नजर आ रही है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आप में से ईमानदारी से उस परवरदिगार परमात्मा अपने भगवान को, क्योंकि सबका अपना अपना है ना, ऐसा एक ही लेकिन अपना अपना है, वाकई समझते हैं कि 60,40,000 रुपए महीना मैं चाहता हूं, तो अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर ताली बजाते हैं। अगर जाते हैं तो जोर की बच्ची है। सर मैंने आपको अलर्ट किया है कि 7:40 एक अलार्म लगाते हैं ना दीपक जी, रात को एक अलार्म लगाते हैं 6 बजे उठने, विश्वास करना कल ही लगा के देखना, आज रात को ही 5 मिनट कम 6 पे आपकी नींद खुल जाएगी। ह्यूमन साइंस है ये। और आज उस परमात्मा की कृपा से मेरे द्वारा उसने, वृंदावन में कहते हैं करते हो तुम काना नाम मेरा, और ऐसा मैं कुछ नहीं हूं, उसकी मर्जी से जिसको आप मानते हो खुदा अल्लाह परवरदिगार वाहेगुरु, उसकी मर्जी से उसने मेरे द्वारा आपके अंदर 7,40,000 रुपए का अलार्म फिट कर दिया, इसलिए उठाया। आ रहा है मजा सर? मजा आ रहा है नहीं आ रहा सर? हाँ जी, सर। आज तक किसने क्या, तू किसी लायक नहीं है, तुमसे नहीं होगा, अरे छोड़ो यार, तेरे बाप दादा ने किया कभी, तेरे खानदान में मर्स लिया किसी ने? यस के नो? यस। पूरी क्या पागल मिले आपको? क्या नाम है सर अपना दोबारा बताइए? कृष्ण कुमार जी। एक पागल मिला जो कृष्ण जी हो सकता है, यू कैन। सर मैं कह रहा हूं ना, विश्वास करना, मुझे अपने गुरुओं पे इतना विश्वास है कि जब मैंने ये ज्वाइन किया था ना सर, मैं क्यों कह रहा हूं आपके खुदा आपके भगवान जो जिसको भी मानता है, हम उस टॉपिक पे नहीं जाते, कभी बैठोगे तो उस पर भी बातचीत करेंगे, अतिशा जी करवाएंगे, तो मेरे बाबा जी ने मुझे एक ही बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है ना कुछ जोड़ने का काम है, आपको भी ऐसा लग रहा है क्यों कृष्ण जी? तो जोड़ने से बड़ा धर्म नहीं है और तोड़ने से बड़ा पाप नहीं है, जुड़ेंगे बहुत जुड़ेंगे, तेरे 1:35 भी आएंगे, लेकिन जिसको जोड़ेगा उसका ध्यान रखे, कंडीशन अप्लाइड होता है ना सर, ध्यान तो ऑटोमेटिक है ना, कि अगर आज ही मेरे 3 गैस जुड़ते हैं तो जो मेरे जुड़े उनके नीचे गए, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते। देखो हम ओरली को डील करते हैं दीपक जी और मैं, हाँ दीपक जी आपकी ये पार्टी है मैं इसकी डील कराऊंगा, आपको कमीशन का हिस्सा दूंगा, 2-4 साल 10 साल बाद डील हुई, कौन दीपक जी? क्योंकि लक्ष्मी आने के बाद देनी मुश्किल होती है, मैंने कथा में पढ़ा है लक्ष्मी इज अ फीमेल, इफ यू कीप इट यू गेट बिग वन। तो यहां कंप्यूटराइज कर दिया है कि दीपक जी की आईडी मेरे नीचे है, मेरा कोई आया हो दीपक जी की आईडी के नीचे गया तो उनको आएगा ही आएगा, क्लियर सर? तो 7,40,000 रुपए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, लेकिन यहां कंपनी बस नहीं करती, एक प्रॉफिट और है जिसको हम रिवार्ड कहते हैं। देखो आप याद करना, स्कूल कॉलेज में कोई पेंसिल भी मिली ना तो उसको छिलने का मन नहीं करता, सजा के रखते हैं, कोई पेपर का सर्टिफिकेट मिलता है उसको भी घर में ऊपर रखते हैं, नीचे तो नहीं रखते, कई पलंग के नीचे रखा हो बच्चों ने, तो हम भी बच्चे हैं। देखो मैं इनके बच्चों को बात करते करते बताऊं, हम भी बच्चे हैं, मैं इस बिजनेस में कहता हूं जब तक थे बच्चे, ध्यान देना आज बच्चों वाले हो गए हैं, लेकिन जब तक थे बच्चे तब तक रहे बच्चे, जब से हुए हैं बड़े हर वक्त रहते हैं बड़े, मेरा मतलब समझे सर? आज हम क्यों बैठे हैं? अपने बच्चों के लिए, am I right? क्यों सैनी साहब? तो इस बिजनेस में सर आप 90 दिन मेरे साथ बच्चे बन जाओ, गलती से बाप को सरेंडर कर दो, 9,770 रुपए का रिस्क ले लो, रिस्क तो रिस्क है,
हर तरह की जो ये बातें मैंने की हैं 1000% 90 दिन में पूरी होती हुई आपको नजर नहीं आएंगी, पूरी आपके साथ होंगी, क्योंकि नजर आना भी गलत है, होंगी। चाहे बरेली से करो, मेरे साथ पूना से दुष्यंत करना लड़का है, कल पूना में सेमिनार है, ठीक है सर। अब ये रिवार्ड्स की बात करते हैं। अगर आपकी इनवाइस की डेट के साथ, ये जैसे मेरी इनवाइस की डेट थी, आपकी इनवाइस की डेट के साथ 60 दिनों में अगर आपकी टीम 75-75 लेफ्ट राइट होती है तो आपको एक लैपटॉप मिलता है, और आगे अगर टीम आपकी 100-100 करती है 75 दिन में आपको हीरोंडा बाइक मिलती है। अगर आपको 101 दिन में 300-300 होते हैं तो मारुति मिलती है, 102 दिन में 450-450 करती है तो सेंट्रो मिलती है। यही नहीं रुकी कंपनी, इससे अगला स्टेप है जो मेरे लिए है, क्योंकि मैंने अचीव किया है 1000 लेफ्ट 1000 राइट 120 दिन में करती हैं तो आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो मिलती है। 5 सितंबर 2015 को मेरे को एक्सयूवी 500 मिली है जो नीचे खड़ी हुई है। तो पहले वाले कई लोग ले चुके हैं, इससे अगला है दोस्तों 2000 लेफ्ट 2000 राइट फोर्ड एंडेवर, अगर 6 महीने में करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबका सपना होता है मर्सिडीज, 9 महीने में 3000 लेफ्ट 3000 राइट मर्सिडीज। 7,40,000 वाले आदमी के पास, ध्यान से सुनना, अपने आप को रिलेट करना, सर सर कुछ नहीं जाता, हम मर गए कहने की बजाय आई एम द विनर। बुक में मैं पढ़ रहा था, मैं आपको ये बात करने से पहले बता दूं, एक आदमी का दिवालिया निकल जाता है, इंग्लैंड में एक आदमी का दिवालिया निकल जाता है, वो रात को अपनी वाइफ को उठाता है, टूटी कार रह गई होती है, छोटा सा घर रह गया होता है, अपनी वाइफ को लेता है, पूरे लंदन घूमता है, जो वहां पर डिस्प्ले है ना, जैसे रियल स्टेट का डिस्प्ले है तो देखता है ये कोठी लेंगे, ये फार्म हाउस लेंगे, ये लेंगे, फिर उसने कपड़ों के डिस्प्ले में देखा ये लेंगे, फिर उसने कहा ये ज्वेलरी लेंगे, ये गाड़ी लेंगे, तो लिखता है, क्योंकि लिखी हुई बात भूलती नहीं है। तो उसकी वाइफ कहती कर कह रहे हो, कहता जब पैसे आएंगे ना टाइम नहीं होगा, तो पहले सोच के रखें कि पैसे आने के बाद क्या करेंगे। कहती पैसे तो खत्म हो गए, कहती है पैसे खत्म हुए हैं, ध्यान देना सपने थोड़ी खत्म हुए, मेरा बिजनेस मर गया है, मेरे सपने थोड़ी मरे हैं। दोस्तों आपके सपने हैं, दैट्स व्हाई यू आर हियर टुडे। अगर आपके सपने नहीं होते ना तो आपको भी घर से कोई नहीं ला सकता था। आपके सपनों ने अलार्म दिया परमात्मा को कि हमारे सपने हैं 7,40,000 रुपए मर्सिडीज, तो परमात्मा ले आया। अब आपसे उसने एक चीज छीन ली किशन जी, कि आज के बाद उसको शिकायत नहीं कर सकते कि तूने मुझे मौका दिया होता तो मैं ये करता, तो मौका ही तो दिया है, क्योंकि आज मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, आप अपनी मर्जी से नहीं, मर्जी उसी की चल रही है, उसकी रजा में ही मजा है, उसकी रजा में ही मजा है, बाकी तो दोस्तों सब सजा है। तो उसकी रजा मानना कि उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, अगले 3 महीने एक अच्छे बच्चे की तरह मेरी जान खाना, मेरे को तंग करना, रिजल्ट में किसको, जो तंग करेगा, जो पैकेज लेके घर जाके सो जाएगा, फिर उसको जगाने कहां जाऊंगा, क्योंकि यहां जगह बैठे हैं, जो जगह बैठे हैं इन्हीं को अटेंड करूंगा ना, जो आज नहीं आए उनको अटेंड कर सकता हूं मैं। दोस्तों इसके बाद एक बहुत शानदार और है रिवार्ड जो लास्ट है इस कंपनी का, 45 लाख का फ्लैट। अगर आपकी इनवाइस डेट से 12 महीने में 4000 लेफ्ट 4000 राइट, सर हर आदमी को लग रहा होगा कि मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं आपके दिलों की जान रहा हूं, मेरे साथ जितने 20-22-25 लोग बैठे हो, आपके मन से आ रहा होगा कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, एग्री करते हो? मैंने भले खड़ा कर लिया कि आपको 740 का आदमी बना दिया, मर्सी का मालिक बना दिया, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइंस है, बचपन से लेके अब तक तुझसे ये नहीं हुआ, तुझसे ये नहीं, तेरे खानदान में एक बच्चा कहता है ना, एक बच्चा अपने, उनके दो बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी है, वो कह दे मैं मर्सी लूंगा, चुप, तेरे खानदान में किसी ने लिए? एग्जाम्पल से बताऊं, बोरे मत मानना, जितनी चादर है ना उतने पैर पसार। आज हम अपने बच्चों को कह रहे हैं, कल हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप हमें कहते थे, कभी आपने सोचा कि बच्चा कृष्ण जी उल्टा बोले कि पापा मुझे बताओ मैंने चादर बढ़ानी है? पापा चुप। तो मुझे मालूम है सर, जो आपके अंदर 25-30 साल 40 साल से डर पल रहा है ना, वो कहेगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
एक घंटे में मैं उसको उलट नहीं सकता, एक तख्ती है ना सर अंदर, उस तख्ती को मैं एक घंटे में उलट नहीं सकता, लेकिन उलटने की संभावना दिखा सकता हूं। क्योंकि कहते हैं दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी चीज, बड़े से बड़ा काम, तीन स्टेप से गुजरा है तो इंप्लीमेंट हुआ है। पहला स्टेप माइंड में आया कि मैं जेपी सिद्धार्थ होटल बनाऊंगा, उसने पेपर लिए, नक्शे बनवाने शुरू कर दिए, फंड्स कहां से आएंगे, मिस्त्री कहां से आएंगे, दूसरा काम पेपर में, और तीसरा बिल्डिंग तैयार। तो आज जो आप 7,40,000 रुपए मस्जिद का सपना देख रहे हो यहां चल रहा है, इसके बाद मेरे साथ चाय कॉफी में बैठ के पेपर में बनाना, कल बैठना मेरे साथ, परसों बैठना, 10 बार बैठना, 20 बार बैठना, आई एम हियर, 2 घंटे बैठना, 4 घंटे बैठना। सर एक 10-20 लाख रुपए लगा के सौरभ जी बिजनेस करते हैं ना, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, बिजली का मीटर कहां से लगेगा, स्टाफ कहां से आएगा, फर्नीचर कहां से आएगा, डोंट टेक इट इजी, पूरा प्रोजेक्ट बनाना। मेरे साथ ईंटों के भट्टे वाले जुड़े हुए हैं, वो कहते तलवार जी हमने कोई पैकेज नहीं लिया, हमने ईंटों का भट्टा लगाया है, उस ईंटों के भट्टे में हर 6 महीने बाद आग झोंकनी पड़ती है, आग झोंकना मीन्स खर्चा, यहां एक बार झोंकी और सारी उम्र ईंटें निकालेंगे, मैंने कोई दोबारा नहीं लिया पैकेज, और मरते दम तक पैसे आएंगे, मेरे बाद नॉमिनी को आएंगे। सर इतने बड़ी चीज के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो बनाना पड़ेगा, 100 गज का मकान बनाते हैं सर, 100 गज के मकान के लिए आर्किटेक्ट करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर करते हैं, माल का पता करते हैं, क्वालिटी का पता करते हैं, नक्शा पास कराते हैं। तो सर यहां अपने और अपने बच्चों के भविष्य का नक्शा बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट तो बनेगा चौहान साहब, तो जिनके प्रोजेक्ट नहीं बने वो धरे के धरे रहे, वो प्लॉट ही तो पड़े हैं सर, हम भी तो अपने आप में प्लॉट ही है सर, क्लियर सर, ये आ सकता है सर। अब मुझे चाहिए क्या सर, जो आपके मन में आ रहा है कि मेरा नहीं आएगा, मेरा नहीं आएगा, अभी अगले 3-4 स्लाइड्स में आपका आ जाएगा। अगर आपके मन में हो कि मैं बिल्कुल ही बस 40 बच्चों में सबसे नलायक स्टूडेंट मैं हूं, जो मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहता, कोई नहीं खड़ा करेगा लेकिन अंदर से आवाज यही आ रही है, यस के नो, यस भी नहीं कह रहे मैं हाथ खड़ा कर दिया सर, यस क्यों बोला, क्या लग रहा है? नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि कोशिश करेंगे ना तो ये भी हो जाएगा। बहनी है जो हिम्मत करके आई है, उम्मीद पे संसार जिंदा सर, लेकिन इसमें बता दूं कोशिश भी आपने मेरे से करवानी है। अगर आपके बच्चे बड़े होने के लिए कोशिश नहीं कर रहे और आप उनको बड़ा करके छोड़ोगे, तो आपको भी मैं बड़ा करके छोड़ूंगा, आपको कोशिश नहीं करनी है, ये मेरा वादा नहीं है सर, इट्स प्रूव्ड है कि आप जिनको जिनके साथ आए उनकी बदौलत उनको अटेंड करने के लिए मैं अटेंड कर रहा हूं, ठीक है सर। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए कि 100% नॉलेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, एग्री? मैं पूरी 100% की नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ह्यूमन साइंस कहती है आपको 45% ही समझ आ रहा है, वो 45% यहां से निकलते हुए 10% रह जाएगा। अब अपने हस्बैंड को ये 10% नॉलेज दोगे ना, तो उनको बेचारों को 2% समझ आएगा, तो 0% हो जाएगा, तो उनकी हालत ही हो जाएगी, कपड़े फाड़ लोगे, बाल नोच रहे होंगे, और एक ही बात कहेंगे पैसे तो नहीं दिया ही। बचना चाहते हैं हम, बचना चाहते हैं, गाड़ी रोड पे आएगी तो सीखेंगे ना, गाड़ी घर पड़ी रहेगी, तो ये भी ह्यूमन साइंस है, हम बचना चाहते हैं, इसको बोलते हैं रिस्क। कहते मैंने जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लिया, जानते ना, मैंने जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लिया, कहते यही तो सबसे बड़ा रिस्क था, स्विमिंग पूल के साइड में खड़ा हूं, कभी रिस्क नहीं लिया कि मैं छलांग मारूं, तैरना आता है, कहते भाई साहब रिस्क नहीं लिया सर। अगर 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव चोला मिला है एक बहुत बड़े काम के लिए, मैं काम बता दूं आपको, वैसे सारे धर्म यही कहते हैं, ए लोग सुखी पर लोग सुहेले, कि यहां भी मौज और वहां भी मौज, और अगर यहां मौज नहीं हुई तो वहां की क्या उम्मीद करते हैं, यहां तो देखे, गुड 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 सब्जेक्ट दिया ना, यहां तो देखा ना, यहां देखा है, तो पहले यहां मौज करनी है कि अगले 90 दिन में नेस्वी से पैसे कमा के अपने बच्चों अपने हस्बैंड के साथ जेपी सिद्धार्थ में लंच करना है, मौज नहीं है,
तो क्या कहते हैं, अरे कहाँ यार पाँच साल हमारे लिए बना ही नहीं है, गाड़ी हमारे लिए बनी नहीं है, हमने जिंदगी में जो काम करने से डरे हैं, ध्यान देना किसी फिलोसफर की बात है मेरी नहीं है, आपको जिंदगी में जो जो काम करने से डर लग रहा है आपने वही वही करने हैं, आपको डर निकालने की तरकीब बता दी, और अगर आप उन उन कामों से बचे हो तो बच्चे ही रह जाओगे। टाइम विल कम कि बेटा कहेगा पापा मैंने आप वाला काम नहीं करना, खतरनाक बात है, एक बेटा कहेगा पापा मैंने आप वाला काम नहीं करना, मैं देख रहा हूं पिछले 20-22 साल से, क्योंकि 20-22 साल का बच्चा ये बात कहेगा, 10-12 साल का बच्चा सौरभ जी नहीं कह सकता, मैं देख रहा हूं सौरभ जी 20-22 साल से, मैं कहता हूं वहां जाना है शिमला नहरे, छोड़ बेटा क्या करना, 22 साल बाहर से दिखाते हो ये मेरिडियन है पापा अंदर लो, नहीं बेटा, पापा गाड़ी ले लो, अच्छा कैब कर लो, नहीं बेटा, तो ऐसा कौन सा काम किया कि आपके मुंह से हां ही नहीं निकल रही, फिर आप सुबह कहते हो मैं काम पे जा रहा हूं, ध्यान देना सर, क्योंकि हमारे पास ना परेशानी थी जो मैंने आपको बताई, सारी परेशानी काट दी आपकी, इन्वेस्टमेंट हटा दी, अब भी पैकेज लिया है, मेरे साथ एक मिस्टर पंचाल जुड़े हुए हैं फरीदाबाद सेक्टर 64 से रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, पैकेज लेके आगरा उनका भर के भेजा है, दो बच्चे हैं उनके, बड़े बड़े बच्चे हैं, कोई मेरे से 12वीं में होगा एक 8वीं में होगा, उनके बच्चों ने कहा कहते अंकल हम पहली बार घूमने गए हैं, क्योंकि जो मेजर खर्चा था ना वो कंपनी ने, अब वो बिजनेस शुरू कर रहे मेरे साथ, वहां 17 परिवार थे उनके साथ, 17 के नंबर ले आए, अब बताओ ये कोई काम है विनोद जी, अब बताओ ये कोई काम है, काम तो वो है सर जाके मेहनत कर रहे हैं, कस्टमर को ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, उसको कन्विंस करने की कोशिश करके हैं, उसको गारंटी दे रहे हैं, फिर वो कहते भाई साहब बताऊंगा, फिर बताते बताऊंगा क्यों सर जी, क्योंकि दैट इज द हार्ड वर्क एंड दिस इज द स्मार्ट वर्क। मैं आखिरी बात कहता हूं, हमने काम करके देख लिया, हमने काम करके देख लिया कुछ नहीं हुआ, दोस्तों एक बार काम करवा के देखो ना, तो बिजनेस ही उल्टा है तो उल्टे चल के देखो ना, शीर्ष आसन देखा ना आपने, सिर नीचे करते हैं टांगे ऊपर करते हैं, अब शीर्ष आसन को गूगल में सर्च करना, व्हाई, हम अपनी मां के गर्भ में उल्टे थे, एवरीबॉडी देखो सभी जो बैठे हैं सब मां के गर्भ से ना, डायरेक्ट तो कोई नहीं आया ना, तो मां के गर्भ में बायोलॉजी कहती है उल्टे थे, अब उल्टे होते हुए ना हमें हर चीज मिलती है, इवन हम परमात्मा खुदा को भी याद करते रहे हैं, खाना पीना भी चलता रहा, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं जाना, कोई स्कूल नहीं जाना, कुछ नहीं, हम वही शीर्षासन दोबारा करके सोच रहे कि फिर वही वाली मौज आ जाए, सर वो शीर्षासन तो नहीं कर पाए फिजिकली, लेकिन मैं आपको एक मेंटली शीर्षासन का ऑफर दे रहा हूं कि बहुत कुछ करके देखा कुछ नहीं हुआ, तो उल्टे बहुत कुछ करा के देखो, मीन्स बहुत कुछ करके देखा नहीं हुआ कुछ नहीं करना, अगर होटल में 10-12 लोगों से बात करनी उसको करना कहते हो, वेस्ट ऑफ टॉक, अब आपको वेस्ट ऑफ टॉक से काम लाना है, कहते ना आजकल निकला है वेस्टेज से वो बैग बना देते हैं, वेस्टेज से खाद बना देते हैं, तो सर ये वेस्टेज वाला जो टाइम है ना, मैं वही कर रहा हूं सर, 26 साल से रियल एस्टेट में बहुत काम किया है, दो गाड़ियां हैं, दो कोठियां हैं, ऑफिस है, मेरा एक पार्लर है शहनाज हुसैन का, एवरीथिंग इज देयर, बेटिया ने देखा भी है, लेकिन मैं बोलूं कि मेरे को हर हफ्ते पैसे आ रहे नहीं, और आज 26 महीने से ये काम किया हर हफ्ते से आ रहे हैं, ये एविडेंस इसलिए दिखा रहे हैं कि आप मेरे एविडेंस को फॉलो कर सकते हो, दोस्तों ये मैंने अपने सीए को कलर चेक्स की फोटो कॉपी दिखाई ना, तो मेरे सीए विनय भाटिया गुलचन और फरीदाबाद से, वो कहते तलवार जी कंप्यूटर से चेक की कॉपी ऐसे निकाल दो असली लगती है, जी असली है, कहते हैं यार इतना टीडीएस थोड़ी कटता है, तो मैं अपने सीए को विश्वास नहीं करा पाया तो आपको क्या कराऊंगा, तो दोस्तों जब मैंने 8 अगस्त 2014 से 31 मार्च 2015 तक की रिटर्न भरवाई, तो मेरे सीए ने सर ये मेरा इनकम टैक्स से टीडीएस सर्टिफिकेट का चेक वापस किया 1,79,360, पहले 10% टीडीएस कटता था 5% है, 1,79,360 का चेक इनकम टैक्स से जब वापिस मेरे सीए ने दिया तो उसको विश्वास हुआ और उसने भी पैसे देके 3 फ्रेंचाइजी ली, तो मैं आपको बता रहा हूं आप भी भले मेरी बातें अच्छी लग रही हैं विश्वास मत करना, लेकिन एच ओ डब्ल्यू करना, हाउ दिस इज गोइंग ऑन,
तलवार जी आपके साथ कैसे हुआ है, क्या मेरे साथ होगा? और मेरे साथ होगा तो ये दिक्कत आएगी, पहले बताओ। जाने की जल्दी मत करना, चाय कॉफी पी के मेरे साथ बैठ के बताओ। अगर 740 और मस्जिद चाहते हो और अगर सच्चा प्यार अपने बच्चों से करते हो तो। सर ये क्वेश्चन का आंसर मत देना आतिशा जी, ये आंसर अपने आप को देना, क्योंकि कोई नहीं कहेगा मैं सच्चा प्यार नहीं करता। लेकिन सर सच्चा प्यार वही करता है जो मेरी तरह 8 अगस्त को देख के आज 740,000 महीने का आदमी बन गया। गलत तो नहीं कहना दीपक जी, मैं आपको आपसे मिलवा रहा हूं। तो अगर पूछो ना मुझसे कि मैं क्या कर रहा हूं पिछले 1 घंटे से, आपको आपसे मिलवा रहा हूं। कौन सा आप जो आपके अंदर है जिसने आपको रिजेक्ट कर रखा है? सर मैंने एक्सेप्ट करा है, दिस इज माई जॉब बिकॉज आई एम योर फादर इन दिस बिजनेस, फाइनेंशियली फादर। अगर मैं अपने बच्चे का करा सकता हूं, आप अपने बच्चों का करा सकते हो। कौन मां बाप कहते हैं कि मैं अपने बच्चे का, बच्चे की परवरिश बढ़िया नहीं करूंगा? एक झुग्गी वाला भी कहता है जी, वही लोग कर रहे हैं, अमीर भी कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी कर रहे हैं। अभी मिलवाता हूं आप, ठीक है सर? तो ये मत करना अपने भले के लिए 740 तक, ये मत करना। सेकंड, आपने पैकेज, कंपनी और अर्निंग मत बतानी, क्योंकि जब ये तीन बातें बताओगे, देखो आपको तीन ही बातें याद रहेंगी। 9,770 का पैकेज है, नेशनल हॉलीडे कंपनी है, और 1.35 आएगा। इतनी सी बात आप किसी को बताओ। चलो मान लो आप जिनके साथ आए हो, आप परसों मेरे साथ कितनी देर बैठे थे? मैंने बताई बात आपको, आप भी परसों बैठे थे मेरे साथ फरीदाबाद, कुछ बताई मैंने? और ये सारी बातें मैं वहां आपको बताता तो आप यहाँ आते? चलो नहीं, फिर भी जितना मैंने यहां लगा के समझाया उतना तो नहीं समझाया। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आप ये बातें अपने पर्सनल लेवल पे किसी को बैठ के बताओगे तो आप उसको भी रिजेक्ट करवा दोगे। तो हमसे समझाना, जो जिनके साथ आप आए हो क्या वो आपको समझाते तो आप आते? दीपक जी अरे इसी द्वार के बैठ के आपको कागज पर, हाँ जी दीपक जी ये आप हो। मैं तो कई बार बोला, मैंने कहा हिंट तो दो, हिंट तो दो, हिंट तो दो, 2 महीने से फॉलो अप है, आज आया हूं। दीपक जी के लिए ताली बनती है। दीपक जी ने हिंट नहीं दिया ना, उन्होंने पूरा कंटेनर दे दिया आपको, क्योंकि हिंट से अमीर नहीं बनते सर, सॉरी। पूरी चीज, पूरी नॉलेज, देखो सर 12-15 साल 17 साल स्कूल कॉलेज में निकाल दी, किसने गारंटी दी? और यार 1 घंटा 2 घंटा देने से गारंटी हो रही है? तो सर आपने प्लीज 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 ये नहीं करना, क्योंकि अपना तो बुरा कर ही दोगे, जिसको बताओगे उसका भी बुरा है। उसको 6 महीने साल बाद को मिला संत राम जी जैसा आदमी, चलो जी आपको दिखाता हूँ, टूरिज्म का काम है। अच्छा वो है मैसेज है संत राम जी कही, इसको तो पता है, उनको ये नहीं पता कि पूनम ने उसको इतना सही बताया था। अरे पता है, देखा हुआ मैंने। तो उसका भला चाहना, क्योंकि अपना भला तो हम नहीं चाहते, याद करना मेरी इस बात को, हम अपना भला नहीं चाहते। अपना भला चाहते तो हम उसको डर को निकाल के आज ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी? तो फिर करना क्या है? अगर ये नहीं करना तो आपके मन में होगा क्वेश्चन, शिव जी फिर करना बरेली जाके करूंगा क्या? तो बरेली जाके आपने एक ही काम करना है, चुप रहना। अगर मैं आज इस लेवल पहुंचने के बाद भी इनको कुछ नहीं बता रहा हूं, ये 1 साल से सर, 1 साल पहले मेरे पेपर में ऐड लेके आए हैं, 1 साल में 50 बार फोन पे मैं इनको समझा देता, 1 साल में 2 बार बरेली भी हो गया हूं मैं। आज ये पेपर की न्यूज़पेपर साथ लाए, कटिंग नहीं लाए, पेपर लाए हैं। 14 दिसंबर 2015 को मेरी ऐड थी, जिससे देख के उन्होंने बात करी, कोई दिक्कत नहीं, जब जागो तब सवेरा। जागे तो हैं सर, इनके साथ के बाकी ऐड वाले तो जागे नहीं, उन्होंने अखबार भी नहीं संभाली, फोन नंबर तक मैंने कहा मेरा नंबर संभाल के रखा, कहते नहीं भाई साहब अखबार है लेके आए, ठीक है सर। आपने चुप रहना है, मैंने आपके बच्चे चुप है ना, मैं बोला नहीं उसको इंजीनियरिंग करानी है, डॉक्टरी करानी है, उनको पता है चुप है वो, आपने करवानी है। तो यहां भी आपने चुप रहना है, ठीक है सर। मुझे आपसे चाहिए दोस्तों सिर्फ 2-3 चीजें, ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, और विश्वास करना ये तीनों चीजें परमात्मा ने सबको बराबर बराबर दी है, सबको सपने दिए हैं, सबको एक कॉन्फिडेंस लेवल दिए, सबको पॉजिटिव एटीट्यूड दिया है। कोई कहता है मैं मर जाऊंगा, आज चेक करना अपने सर्कल में 10-11 लोगों को, गांधी भैया कम मर रहे हो? अरे भाई साहब मैं तो 100 साल जीऊंगा, बस 100 नहीं 110 जीऊंगा। आपको विश्वास है? पूरा विश्वास है भाई साहब। वो सपने भी हैं, कॉन्फिडेंस भी है,
हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अब चेक करो इतने बड़े 132 करोड़ की जनता में एक ही सचिन तेंदुलकर है, एक ही एमएस धोनी है, एक ही विराट कोहली है। क्यों? सारे हैं, प्लेयर बहुत हैं, प्लेटफॉर्म नहीं है। आपने जो भी काम किया है, जो भी जॉब करी है, वो प्लेटफॉर्म आपको करोड़पति बना नहीं सकता था, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को इसलिए नहीं छोड़ पाया क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। धोखे, नुकसान उसका हो गया, नुकसान उसका हो गया, डर। तो नेस्वी, आपको आपके ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव अचीवमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है सर। आप जो भी कर रहे हो, मैं छोटी सी स्टोरी से समापन करता हूं, आप जो भी कर रहे हो, आइदर बिजनेस आइदर जॉब, वो एक बहुत बड़े ग्राउंड में ना एक छतरी है, बहुत बड़े ग्राउंड में एक छतरी है, सीमेंटेड डंडा है, सीमेंटेड छतरी है, और आंधी तूफान बारिश आ रही है। और आंधी तूफान बारिश क्या है? हमारी गरीबी, हमारी बैलेंस शीट माइनस। सौरभ जी ध्यान देना, अब उसमें सौरभ जैसा आदमी भाग के ना उस छतरी को पकड़ के बसता है कि मैं इस बारिश से बच जाऊं। आज इसीलिए है ना सर, इस छतरी में बच जाऊं। अब वो छतरी इतनी छोटी है, आप उससे पूरी तरह भीगने से बच रहे हो, मतलब पूरी तरह भीग भी नहीं रहे लेकिन पूरी तरह बच भी नहीं रहे। इधर से आ रही है उछाल, इधर से आ रही है उछाल, कुछ गीले हो रहे हो, कुछ बच रहे हो, कुछ गीले हो रहे हो, कुछ बच रहे हो। क्लियर? अब आपको 100 मीटर दूर की दूरी पे एक 60x60 का सीमेंटेड शेड नजर आ रहा है, और आप श्योर हो कि मैं भाग के जाऊं और शेड के नीचे खड़ा हो जाऊं तो परमानेंट बच जाऊंगा, लेकिन आपका डर दौड़ने नहीं दे रहा। देखो शेड है 1,35,000 रुपए पर वीक, छतरी हमारी एग्जिस्टिंग नौकरी या बिजनेस, और बारिश तूफान है हमारा बैलेंस शीट का माइनस होना। मैं गरीबी वर्ड कहते हो डरता हूं, लेकिन है वही। अब अगर आप कहते हिम्मत करके जाऊं तो बाई दे रस्ते में थक के जाऊं और वापिस आऊं तो ये छतरी को कोई और पकड़ ले, और रस्ते में गिर जाऊं, कपड़े गीले हो जाए, टांग टूट जाए, डर। तो वो रिस्क तो लेना पड़ेगा, वो रिस्क आपको ही कॉन्फिडेंस करवाएगा। और रिस्क क्या है? देखो मान लो हम क्रिकेट की बात करते हैं, रिस्क क्या है? एक आदमी एक बल्ला लेते हैं। देखो आप अपनी लाइफ के क्रिकेट के क्रिकेटर हो, आपकी लाइफ आपका बल्ला है, ये बल्ला लिया और पता है कि एक बल्ले से मैक्सिमम 6 स्कोर बनते हैं, 2-3-4 कम है, 6 सबसे ज्यादा है। हर बैट्समैन, आप अपनी लाइफ के बैट्समैन हो, हर लाइफ में बैट्समैन करोड़पति बनना चाहता है, यस के नो? यस। वो हर बैट्समैन छक्का मारना चाहता है, लेकिन रिस्क क्या लेना है? क्रीज से बाहर जाना है। क्रीज क्या है? एग्जिस्टिंग बिजनेस और एग्जिस्टिंग जॉब। क्रीज से बाहर जाने में सिर्फ डर क्या है कि ऐसा ना हो कि मैं बल्ला घुमाऊं और बाल मुझे क्लीन बोल्ड कर दे या LBW कर दे। मैंने आपको उससे भी बचा दिया, 9,770 तो पीनेट है, 9,770 रुपए में आप मुझे खरीद रहे हो, पैकेज नहीं खरीद रहे, मुझे खरीद रहे हो। मैं बड़े अफसोस से एक बात कहता हूं अक्सर अपनी मीटिंग में कि अगर हमारे आसपास सर्कल में देखना राजेश जी, किसी ना किसी घर में कोई मेंटली डिसऑर्डर्ड बच्चा भी तो पैदा होता है। रिलेट करना तो क्या कृष्ण जी वो मां बाप क्या कहते हैं, इस बच्चे को जाके कूड़े दान में फेंकना है? उसको भी पालते हैं, बड़ा करते, 20-22 साल का हो गए, वो कहते भी नहीं है बड़े, और जबकि उसकी डेथ पे जो उनके रिश्तेदार आते हैं कहते अच्छा हुआ बड़ी सेवा कराई इसने। इस बिजनेस में अगर ऐसे भी बच्चे आए ना, उनका भी पालन पोषण हमने कंपनी ने किया है। मनदीप सिंह की वीडियो है हमारे पास जो आपको लाया, उनसे देखना, दोनों टांगे नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, और 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुका है, लेकिन सर वो शरीर से डिजार्टेड है ना, आप मेंटल से डिजार्टेड हो। मैं उसको पूरा करूंगा आपको, मैं उसके एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि अगर वो कर सकती है, एक भावना पांडे मथुरा से एक टांग से 22 बार पैरालाइज है, 2 गाड़ी अचीव कर चुके हैं, देखिए ना, लेकिन करने से। आज घर से चले हो तो ये सुनने को मिला ना, हाँ इतना अपना भला जरूर करना कि आज के दिन को भूलना मत, रह रह के मैं याद आऊंगा आपको, तो बेटर है करके देखते हैं। ठीक है जी, ये तीनों चीज आपके पास हैं, और आखिरी में अगर मैं आपको बोलूं फिर करना क्या है,
परचेज अ पैकेज, मेक ए लिस्ट, जस्ट इनवाइट। अब आपको आपके लाने वाले ने क्या किया है, इनवाइट ही तो किया है, इनवाइट ही तो किया है, आपको इनवाइट ही तो किया है, आए ना आए। सरदार जी बैठे थे ना, मुझे कुछ पंजाबी की बातें याद आती हैं, आए ना आए खसमा नु खाए। सर जो नहीं आए, जो नहीं आए क्या हुआ, अभी दो बजे फिर यहां बैठे होंगे, कल हमारे दो शो है, कल देखना हजार हजार लोग होते हैं। क्योंकि हम ना आपको अलार्म दे सकते हैं, 7:40 का अलार्म दिया है, 6 बजे का अलार्म बजा है, आप उठ के सो जाओ, आज आपने देख लिया, देख के जाके सो जाओ, किस्मत को मान लो, ये भी तो मान लेते किस्मत ने, ये भी मुझे आपकी तरह मिले थे, एक बार फरीदाबाद में मिले थे, मेरे घर सेमिनार से पहले ज्वाइन कर लिया था, हमारे साथ यमुनानगर से जुड़े हैं, टेलीफोन पे समझाए ज्वाइन करके, बॉम्बे से जुड़े हैं टेलीफोन से समझाए। सर उन्होंने ना एक एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, 7 ID बना के ना 7 के पैसे भेज दिए। मैं कह ये क्या है, कहते तो भाई साहब आपने कहा ना एक पैन नंबर से 3 ले सकते हैं, मैं मेरी वाइफ मेरे 2 बच्चे हैं, राजेश ओड़ा नाम बता रहा हूं, उन्होंने वहीं से ट्री बना के भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है सर, परचेज द पैकेज, मेक ए लिस्ट, जस्ट इनवाइट। आपने एक डायरी बनानी है, डायरी में अपने वेल विशर्स के नाम लिखने हैं, जिनको आप अपने घर में अच्छे फंक्शन पे बुलाते हो, जिनका आप भला चाहते हो, उनको बुलाना नहीं है, उनसे बैठ के लिस्ट डिस्कस करोगे, हम बताएंगे, क्योंकि आप बच्चे हो, आप बचे रहो। अब आपको मैं आखिरी बात बताता हूं, जो आपने कहा ना, जो मैंने शुरू में कहा कि आप में से कईयों को लगता है कि 7,40,000 नहीं, इन्होंने भी यहां कर दी, दीपक जी ने कहा था डाली, अगर हमारे में, वैसे तो आई एम वेरी मच श्योर ऐसा कोई आदमी नहीं है, अगर ये दीदी लेट भी है ये भी विनर है, क्योंकि करना मैंने है ना, इन्होंने थोड़ी करना है, ये बचे हुए बल्कि लेट है, मुझे समझ नहीं आई, आप करो, इनकी और जीत है। अगर हमारे में कोई आपको लगता है कृष्ण जी कि बिल्कुल ही कोई वर्स्ट स्टूडेंट है जो फेल ही हो जाएगा, मतलब ये जितनी बातें करी तलवार ली उसके पल्ले अल्ले कुछ नहीं पड़ी, बिल्कुल ना समझ है, उसके साथ क्या हश्र होगा देखना चाहोगे, क्योंकि पॉजिटिविटी तो ऊपर तक तो आप मना कर रहे थे, अगर मैं एक बार बोल दूं आपसे काम नहीं होगा, हाँ सर हम यही तो कह रहे थे इसको तो एक मिनट में अपडेट कर लूं, अगर उस केस में भी कोई आदमी होगा तो अगले 12 महीने में उसके साथ क्या बीतेगी जानना चाहोगे? यस, ये तो आपकी बात है, जोर से यस करो, यस के नो, यस। वो क्या होगा दोस्तों, अगर मान लो जनवरी से दिसंबर तक कृष्ण जी बिल्कुल ढीले डाले आदमी, गुरमत मानना सर एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ नहीं होगा तलवार जी, हो ही नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ, मतलब ना ही ना ही, और मोबाइल के नंबर से मेरी बात करा रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, कभी केरला में बात करा रहे हैं, कभी मेरे घर ले आते हैं किसी को, कभी ऑफिस ले आते हैं, इतना तो कृष्ण जी होगा, और मुश्किल से 30 दिन में सिर्फ 2 लोगों ने ज्वाइन किया, इतने से एग्री हो, 30 दिन में आपने 30 दिन मेरे साथ वर्किंग करी, हम नौकरी 30 दिन करते हैं सर, दुकान 30 दिन खोलते हैं, तो 30 दिन व्हाट्सएप आपकी दुकान है, व्हाट्सएप फेसबुक पे मेरे से बातचीत कर रहे हो, मिलवा रहे हो, महीने में 4 सेमिनार यहां है, महीने में 8 सेमिनार संडे को हैं, दिखा रहे हो, मुश्किल से चलो आप पे भी बात नहीं लेता, मैं अपने भी लेता हूं बात, मेरे कैलिबर के अकॉर्डिंग आपको लगे कि इस जैसा आदमी, जैसे भी समझा रहा हूं मैं, तारीफ मत करना, आपके उन लोगों को अटेंड करेगा, तो क्या महीने में 2 लोग कृष्ण जी मैं कन्वर्ट कर लूंगा? मैं ये भी देखो आपकी बाल छीन ली मैंने, बाल मेरे पाले में, सिर्फ 2 लोग पॉसिबल बना जी। 30 दिन आपने फरीदाबाद, क्यों फरीदाबाद मिलवा दिया किसी को, फरीदाबाद सेमिनार होते हैं जिन जिन में, वहां दिखा दिया किसी को, किसी से फोन पे बात करा दी, कोई खुर्जा में है, कोई बुलंदशहर में है, कोई बरेली में है, कहीं भी, मतलब ये सारा सिस्टम हम फोन पे भी दे देते हैं, हम जहां भी चले भी जाते हैं, तो आपको लगता है कि महीने में 2 लोग यस के नो पॉइंट पक करते हैं जोरदार से, यस के नो, यस। खाली 2 लोग हुए कृष्ण जी, तो उन 2 लोगों को भी फरवरी में मैंने कहा भाई कृष्ण जी भी ने 2 किए, तुम भी 2 ही करो, अरे 2 तो भी हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा ऐसे 2 क्या होते हैं, एक साला और एक जीजा एक साला और एक जीजा, क्यों, इन दोनों घरों में खुशी है ना, तुम्हारा घर वैसे खुशी है, इन दोनों घरों में खुशी नहीं, तुम्हारा घर सुखी नहीं है, तो दीपक जी बड़ी अच्छी हां करी दीपक जी सच है सर, सच है, देखो बहन के घर दिक्कत है, तो दिक्कत है,
मिसिस के भाई के घर दिक्कत है तो फिर दिक्कत है। हो गए दो तलवार से। एक शख्स जो है नरेश जी, वो कहते हैं तलवार जी बड़ा इजी है, कहते हैं कहते मरने के बाद चार कहां से आ जाते हैं। अब ये मत कहना मरे हुए हैं, हमें दो ही चाहिए। ठीक है सर, उन्होंने दो किए। अगर आप जनवरी से फरवरी दिसंबर तक देखते हैं, अगर अजीत जी हर शख्स दो दो ही करता है तो टोटल 8,190 होते हैं। लेकिन हमें इनकम पेयर पे मिलती है तो एक पेयर पे 900 मिलते हैं, तो 8,190 के पेयर करते हैं गगन जी कितने होते हैं 4,095 पेयर, तो हमें 36,85,500 रुपए आते हैं एक साल में। पैसे कितने लगाए, जोरदार बोलो सर। के अगर हम महीने में ही दो करते हैं और 12 महीने में सब दो दो करते हैं, और ध्यान से किशन जी ने दो के बाद कुछ किया तो वो भी नीचे ही जाएगा। लेकिन सर मैं इससे भी एक स्टेप आगे जाता हूं कि इससे भी ज्यादा वर्स्ट हो कोई। एक बार ना छोटी सी बात करके पॉइंट अप करता हूं। सुस्तों की ना सुस्त आदमियों का कंपटीशन हुआ कि कौन सबसे ज्यादा सुस्त है उसको इनाम दे। सुबह 9 बजे का टाइम है, कोई 9:30 पहुंचा, कोई 10, कोई 12, कोई 11, कोई एक आदमी सुबह 9 बजे पहुंचा। भाई साहब भूल ही गए हम तो, इसको इनाम दो। 24 घंटे ज्यादा ले सुस्त आदमी, कहते भाई साहब मुझे इनाम दो। एक और भी सुस्त है मेरा भाई, कहता कहते वो आया ही नहीं। अगर वो पोजीशन भी आ गई ना सर लाइफ में, तो 12 महीने की बजाय, एक मिनट गगन जी वापिस करना, अगर एक साल में कृष्ण जी दो होते हैं, आपको देख के कह रहा हूं मैं, नाम किशन जी कहते हैं, एक साल में दो होते हैं और वो आदमी भी अगले साल में दो करता है, वो आदमी भी अगले साल में दो, वो आदमी भी अगले साल में दो, हर आदमी एक एक साल में दो दो करता है, तो भी तो सर 12 साल में ये होंगे। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, उसने तो ईद पे कटना है। तो सर गगन जी अगर 12 साल में 8,190 बनते हैं तो भी सर 12 साल में 36 लाख, 3 लाख रुपए सालाना, 25,000 रुपए महीना, नौकरी नहीं मिलती। क्यों बेटा लगाए कितने, लगाए कितने 10,000, 9,770 आया कितना 25,000 रुपए महीना, बोल देना ना। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। जो आप काम कर रहे हो क्या इस पोजीशन में कर रहे हो, जो मैंने वर्स्ट पोजीशन बताई, सुस्त पोजीशन बताई, जो भी काम आप कर रहे हो क्या ऐसे लेवल पे कर रहे हो? आप तो बेस्ट से बेस्ट लेवल पे कर रहे हो, लेकिन वहां बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म नहीं है सर। आपके पास चार्टेड प्लेन है, आपके पास ये जीवन रूपी मानव रूपी चार्टेड प्लेन है, और आप अपनी गली अपने गली के पार से उड़ाना चाहते हो। दैट कांट बी टेक ऑफ, रनवे पे ले जाना पड़ेगा, और रनवे पे ले जाओ एकदम छोड़ जाएगा। तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आप हवाई जहाज हो, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने आपको प्लस माइनस करने की कोशिश करी लेकिन आप हिले नहीं, आप अपने आप में हवाई जहाज हो। डीजल मैंने भरना है, ड्राइविंग सीट पे मैंने बैठना है, मालिक बना के आपको बिठाना है। यस के लो यस। तो दोस्तों इतनी बातों से अपना स्थान लेता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम डर डर के काटे हैं। हाँ आप जैसे कुछ डरे हुए इंसान और हैं, अगर कोई हैं 2-4 लोग आ जाए जिन्होंने आपके साथ बैठ के देखा था, ऐसी हमारी बातें सुनी थी, वो क्या करते थे वो आपको बता देंगे। आओ सैनी साहब, आप आओ। मेरी नजर में आओ सैनी साहब।